सिया राम मय सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसी बाबा ने लिखा कि सारा संसार सिया राम मय है, सारा संसार में राम समाया है, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, जलचल थलचल वायुचल जो भी हैं सब में राम समाया है, तुलसीदास जी ने लिख दिया। ये तुलसी बाबा ने लिखा, उन्होंने लिख दिया। अब तुलसीदास जी जब उठकर चले, तुलसीदास जी जब उठकर जाने लगे तो एक बच्चा दौड़ कर आया और दौड़ कर आकर बोलता, काका आगे मत जाना, एक बैल आ रहा है लाल, वो तुम्हें मार देगा। काका ने कहा, अभी मैंने चौपाई लिखी है कि सिया राम मैं सब जगह जानी, सब में राम समाया है, तो मुझे कैसे मार सकता है, उसमें भी तो राम होगा, उसमें भी तो परमात्मा होगा, वो मुझे मार नहीं सकता। और तुलसीदास जी चल दिए, आगे बढ़े, सामने से बेल आया, बेल ने सींग से उठाया, तुलसीदास बाबा को पटक दिया, पांव रखकर तुलसीदास जी के ऊपर से बेल निकल गया, बेल निकला और तुलसीदास जी तुरंत वापस गंगा के घाट पर वो पुराण को लेकर, रामचरितमानस को लेकर बैठ गए और तुरंत कलम उठाई तुलसीदास जी ने, और उठाकर उस चौपाई को काटने ही वाले थे, इतने में हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा, क्या हुआ तुलसीदास, क्या कर रहे हो? तुलसीदास जी ने लिखा, मैंने चौपाई लिखी थी सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सब में राम समाया था, तो मैंने बेल में भी राम देखा, फिर बेल ने मुझे क्यों मारा, आखिर ये बेल मुझे क्यों मार रहा है, बेल क्यों मार रहा, आखिर कारण क्या, बेल ने आखिर मुझे मारा क्यों है, जब सब में राम देखा गया था, सब में राम समाया हुआ था, तो बेल ने मुझे क्यों मारा। तब हनुमान जी महाराज ने कहा, देखो तुलसीदास जी, जहां से बेल आ रहा था वहां तुम्हें जाना ही नहीं था, वो बच्चा आया था, उसने आकर कहा था कि सामने से बेल आ रहा है, अगर आपने बेल में राम देखा था तो उस बच्चे में राम क्यों नहीं देखा जो बताने के लिए आया था। तो कई बार हमको मार्गदर्शन करने वाले, हमको बताने वाले, हमको कहने वाले, हमको समझाने वाले हमको समझाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई अलग से आकर तुमको आकाश से बिजली कड़केगी और बिजली कड़क कर बोलेंगे कि तुम इधर उधर मत जाओ रे और मुंह पर मास्क लगाओ रे। ये आकाशवाणी पहले होती थी कंस के समय पे, हुई थी कि नहीं हुई थी, कि देवकी का अष्टम पुत्र तेरी मृत्यु का कारण है। आज के जमाने में आकाशवाणी की जरूरत नहीं पड़ती, दूरदर्शन टीवियों पर, मोबाइल पर सारी आकाशवाणी अपने आप हो जाती है। घर से मत निकलना, कोरोना ही तेरी मृत्यु का कारण है। भगवान ने बंसी हाथ में रखी थी, तुम मास्क मुंह पे रख लो, मास्क रखिए अपने मुख पर। भगवान भी सबसे दूरी बनाकर वन में जाकर बड़े भगवान ब्रज गोपियों के साथ में नित्य नूतन वन में विचरण कर लीला करते थे। आप भी भगवान की कृपा से एकांत में बैठकर भगवत भजन करो, घर में रहकर स्मरण करो, यहां मत पहुंचो, आप तो भजन करो। और कथा मानसरोवर शिव महापुराण की कथा, ये आपको केवल अपने लिए श्रवण नहीं करना है, अब की बार जो कथा हो रही है इसको आपको अपने पूर्वजों के लिए श्रवण करना है कि मकर संक्रांति का वो भी स्नान कर तर जाए।